हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर आ चुका है। मे बी आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप आंसर की भी देख सकते हैं, आपको राइट आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। बट गाइस, अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं कोई भी आंसर, तो मेक श्योर आप पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए। मे बी आप ग्रुप बना सकते हैं और आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो सेम सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं इसके बारे में। आप फैकल्टी से भी गाइडलाइंस ले सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट की किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं, आपको डाउट है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपके हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेफ जोन हो सकती है? अभी सभी को आपको अपना स्कोर पता चल गया होगा, या अगर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्या स्कोर है। और स्कोर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी के लिए आप सेफ हैं या नहीं है। सपोज मान लीजिए, अगर आप जनरल में हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं, तो आपका 60 to 65 की के बीच में अगर आपके स्कोर हैं तो आप सेफ मान सकते हैं। तो ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट के जिनका लास्ट टाइम यानी कि जून में जिनकी जो कट ऑफ गई थी वो 70 से अबव नहीं गई थी JRF की, उनके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या सेफ जोन रहेगी कैटेगरी वाइज। तो उससे पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉमर्स मैनेजमेंट, HRM, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन के लिए अपडेटेड स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपका टारगेट है UGC NET June 2020, फॉर मोर डिटेल्स आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है फॉर द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर मोर डिटेल्स आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक्स ऑफ स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर कैटेगरीज मैंने ली है जनरल, OBC, EWS एंड SC। तो ये कैटेगरीज में मैंने कुछ नेट एंड JRF के लिए मैंने कुछ यहाँ पे स्कोर्स की बात की है, ठीक है? तो ये जो स्कोर्स है, आपका यहाँ पर 54 and 57, तो इसका मतलब क्या है कि 54 से लेकर 55% के बीच में, या आपकी 54 से लेकर 57 है आपकी परसेंटेज, तो आप यहाँ पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो देखिए, ये प्रेडिक्शन सिर्फ उनके लिए है जिनका, सपोज आपका, अगर आपके सब्जेक्ट का जो कट ऑफ जून में, जो जून में हुआ था एग्ज़ाम, अगर वो आपका 70 से अबव नहीं गई है, ठीक है? अगर आपके पेपर की, ठीक है, आपके एग्ज़ाम की जो जून की कट ऑफ है वो अबव 70 गई है, तो गाइस ये प्रिडिक्शन उनके लिए नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी जो कट ऑफ होती है वो 70 अबव जाती है, तो उनके लिए ये नहीं है। बट अगर आपके सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, आपके सब्जेक्ट की जो कट ऑफ लास्ट टाइम रही है जून में वो 70 रही है या बिलो 70 रही है, तो फिर ये प्रिडिक्शन आपके लिए काफ़ी हद तक सही हो सकती है। ये सही हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली होगी। यहाँ पर मैं कुछ भी आपको फिक्स नहीं बता रहा हूँ, इट्स ओनली ए प्रिडिक्शन। मेरे अकॉर्डिंग आप इसके बीच में अगर आपका स्कोर है या इतना स्कोर आपका है तो आप सेफ यहाँ पर हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, ये ओल्ड सब्जेक्ट जिनकी लास्ट टाइम 70 तक आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है? तो जनरल में अगर आप हैं तो आप 54 and 57 के बीच में अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। 54 का यहाँ पर मतलब क्या है कि ये आपकी लेस प्रोबेबिलिटी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम है, और 57 इज़ ए आपकी मोर प्रोबेबिलिटी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम है, ठीक है? ओके, तो आपको ये भी यहाँ पर इसका मतलब भी पता होना चाहिए। तो JRF का देखिए, JRF का किसी भी, मैं तो कहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी के लिए बिलो 60 नहीं जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता है। ये सब मैंने आपके लेस, मतलब जो आपके जून एग्ज़ाम थे उनसे मैंने आपके जो जनरल की अबकी बार की मेरिट है
जो कट ऑफ है वो मैंने कम बताई है, क्योंकि अब ड्यू टू EWS, ठीक है, EWS की वजह से मुझे लगता है कि अब की बार जनरल के जितने भी सब्जेक्ट हैं जनरल कैटेगरी के अंडर, ठीक है, तो उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाएगी, वो थोड़ी रिड्यूस होगी। बट रिड्यूस का मतलब ये नहीं है कि 10% रिड्यूस हो जाएगी, नहीं, मैक्सिमम ये आपकी हो सकती है 5%, 5 to 6% ये आपकी रिड्यूस हो सकती है मैक्सिमम, बट आपका 10% 15% से रिड्यूस कभी नहीं होती, क्योंकि ये बेसिकली जो ये कट ऑफ होती है ना, ये आपके पेपर हार्ड या इजी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है कैटेगरी पे, ठीक है। तो आपका जनरल के लिए, आपका नेट के लिए हो गया 54 to 57, JRF के लिए हो गया 62 to 66, ठीक है। तो अगर आपका 60 से ब्लो है, यू नो, आपका स्कोर बैठ रहा है, तो जनरल कैटेगरी में मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप JRF क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, OBC की अगर हम यहाँ पर बात करें तो OBC में आपका 53 to 55 तक आप, इसके बीच में आप सेफ है, या आपका 53 है तो आप जब भी अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, बट ये आपका लेस सिक्योर होगा, ठीक है, और 55 आपका मोर सिक्योर होगा। JRF के लिए OBC में आपका हो सकता है 58 to 64, ठीक है। EWS में 50 to 54, अगर आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है, तो अगर आपने चेक करी है, यू नो, जून की, तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में जो OBC एंड EWS में डिफरेंस रहा है वो काफ़ी नैरो रहा है, काफ़ी कम रहा है, तो इसकी वजह से, यू नो, आपका EWS एंड OBC बिल्कुल मिलता जुलते ही आपकी कट ऑफ हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं EWS के लिए 52 to 54 रखूँगा, और JRF के लिए 56 to 62 फॉर, यू नो, EWS JRF के लिए, और ये आपकी OBC के लिए 58 to 64 जा सकती है। SC के लिए 48 to 51 स्कोर सेफ हैं, ठीक है, इसके बीच में आप अपने आप को सिक्योर यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। SC के लिए जो JRF है वो आपका 54 to 58 जा सकते हैं। तो जितना भी मैंने अभी आपको ये बताया है, ठीक है, कि इसके बीच में या इतना आपका आता है तो आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन है, ठीक है, मे बी इट विल बी प्रूव रॉन्ग, ठीक है। तो अगर आपके इससे कम आ रहे हैं, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 60 पे या लेस देन 60 पे आपका JRF क्लियर हो जाएगा जनरल कैटेगरीज में, तो अकॉर्डिंग टू मी आप नहीं कर रहे हैं JRF क्लियर, आप नेट ही क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि, यू नो, एक, यू नो, कोई भी रिसर्च किसी भी, यू नो, सैम्पलिंग पे डिपेंडेड होती है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल रिसर्च, बेसिकली इसे जो मैंने अभी आपको बताई है वो एक हिस्टोरिकल रिसर्च है, ठीक है, और इस हिस्टोरिकल रिसर्च में मैंने जून से आपको एनालिसिस करके बताया है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि इतना स्कोर तो एटलीस्ट आपको चाहिए अगर आप, यू नो, अगर आप JRF या नेट अपना क्वालिफाई करना चाहते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।